एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग घर पे आए, खाना वाना बना के मैंने रेडी किया। इन लोगों ने खाना यहीं पे खा लिया क्योंकि फिर वहाँ पे वो होता दिक्कत कि हॉस्पिटल हो रहा था, तो वो खिला दिया है जिया के लिए। मैं एकदम पतला सा सूजी का उपमा बना रही हूँ, खा कुछ भी नहीं रही है। कल मैं खिचड़ी लेके गई थी, उसने मुश्किल से 2 बाइट लिए है, खाना नहीं खा रही क्योंकि ट्रिप चढ़ रही है। उसको स्वेलिंग है, फीवर नहीं जा रहा है, और शायद हम लोग रात तक उसकी रिपोर्ट देके हॉस्पिटल चेंज करेंगे क्योंकि इस हॉस्पिटल में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमारा 3rd दिन हो रहा है और का कोर्स चलते चलते एंटीबायोटिक का 3rd दिन चल रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों नहीं हो रहा। तो अभी लोगों को भी रेडी होना है, लोगों की दवाई ख़त्म हो गई, उसे दवाई नहीं दिए ना तो उसे वापस से कॉन्स्टिपेशन टाइप का लग रहा है मुझे। तो उसकी तबीयत, मुझे लग रहा है कि उसकी तबीयत भी ख़राब होने वाली है और उसकी वो ख़राब वाली होती है। उसकी सीट अभी निकाली तो सीट पे बैठ नहीं रहा क्योंकि अभी 2-4 बार से उसे सीट पे बैठा नहीं क्योंकि अभी जब शिफ्ट हुए थे उसे कुछ सामान वहाँ था, ये था, और वो भी 2-3 दिन बाद वो जा रहा है हॉस्पिटल में, वो गया भी नहीं। तो उसे कॉन्स्टिपेशन टाइप का लग रहा, तो मेरे को उसको दवाई दे के भी लेनी पड़ेगी। उसकी पूरी दवाई जो थी वो बैग में गिर गई। बस यही है, चाय बना रही हूँ मैं, थोड़ा सा उपमा सोच रही हूँ कि कर देती हूँ कि हल्का सा उसके लिए ना पतला पतला हो जाएगा और अगर उसे खाना होगा तो वो गर्म गर्म खा लेगी। निकल रहे हम लोग, पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हुआ है, समझ नहीं आ रहा है। इतना बुरा इन्फेक्शन मैंने डुकू को भी रखा है, पाल है, इतना बुरा इन्फेक्शन मेरे को नहीं समझ आ रहा कि ऐसा भी यार उसने क्या खा लिया या क्या। क्योंकि घर में मैं जब आई थी तो डस्ट थी, बट आप लोग को पता है कि मैंने हाथ के हाथ जो काम था वो किया। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगा काम करने में या साफ़ होने में। अब जैसे हम लोग घर पे नहीं रह रहे तो थोड़ा बहुत अब मैसी हो रहा है, तो उसमें तो जिया भी नहीं है। वही मेरे को लग रहा है कि मैंने तो यार एकदम घर साफ करके सब कुछ बहुत अच्छे से रखा हुआ था, पर ये हमारी बात मुझे नहीं डाइजेस्ट हो रही कि इतना बुरा यार कि डबल ट्रिपल चीज़ें बढ़ी हुई हैं उसे ऐसे इन्फेक्शन। और दवाई का जब तक असर है तब तक फिर भी ठीक है, और जहाँ दवाई का असर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है जाता है और शुरू हो जाता है इसमें। इसी में आवाज़ देती हूँ ना दूर में, मम्मी पापा भी आ गए हैं ना क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी। अभी मम्मी पापा भी साथ में चलेंगे, देखते हैं यार आज के आज हम कोई डिसीजन ले रहे हैं और निकाल रहे हैं। एक्चुअली ने पूरा दिन निकल गया, उन्हें ड्रिप भी नहीं चढ़ाई, सुबह चढ़ाई थी मैंने। सुबह बोला था कि मैं इसको ना कुछ खिला देती हूँ, उसके बाद फिर डिगू फ्रिज बंद कर दे, हाँ कि मैं इसे कुछ खिला देती हूँ, थोड़ी देर ड्रिप निकाल दूँ, मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ खा ले, उसने कुछ खाया नहीं। फिर उनको डायपर चेंज किया, डायपर चेंज किया, उसके बाद वो लोग आए ही नहीं कि वो ट्रिप लगाते, उसको ट्रिप लगाने ही नहीं आया मेरे। तो फिर वही हुआ कि उसको ट्रिप नहीं लगी, हमने फिर फ़ोन किया उन्हें, हमने वही बोला कि ट्रिप नहीं लगाई, तो फिर वो बोल रहे कि ये वाला ड्यूटी हमारी ड्यूटी अभी थी, मतलब वो थोड़ा लापरवाही दिखा रहा जो कि मेरे को नहीं सही समझ में आ रहा। जैसे मैं राजा से बोल रही थी कि आज देखो और चलो। अब हम लोग निकल रहे हैं और मम्मी पापा पहले ही निकल गए और अभी खाना वाना इसका पैक कर लिया है, चाय पैक कर लिया और राजा ने बहुत सारा खाना खा लिया है। वही खाना है और जिया का एकदम प्लेन पतली पतली मैंने उपमा बना दिया है, एकदम बेसिक प्लेन कुछ नहीं किया। तो अभी उसे ड्रिप ही चढ़ रही है, सोई हुई है वो, और मम्मी पापा आई थिंक पहुँच गए होंगे। हमें बहुत सारा सामान पैक करना था क्योंकि हर दिन के कपड़े मैंने धोने भी लगाए, कुछ डाल भी दिए, कुछ धो भी दिए, आके आराम नहीं किया है और कल भी नहीं किया था। इतने घंटों में 48 के ऊपर हो गए घंटे और शायद हम 4-5 घंटे सो जाएंगे। आँखों में वो रहता कि जो नैनी है वो बोलती है कि जाके सो जाओ थोड़ा आराम कर लो, पर डुगू को नहलाया, डुगू इतना लेट रहा था वहाँ पर जाके हर जगह लेट रहा, और उसके पकड़ के नहलाया, उसको रेडी किया, खाना चढ़ाया, खाना वो किया, खाना खाया है, और फिर उसका खाना चाय सब करके रसोई भी फैली हुई है। यहाँ पे भी कपड़े था आए हैं जो कि रखे हुए हैं पर लगाए नहीं है, और ये 2 बैग पैक कर लिए, इसमें बच्चों के कपड़े, इसके लिए ऑयल, थर्मामीटर,
कंघी भी रखी है। जिया के बाल बहुत अजीब से हो रहे थे, तो उनने कहा कि कंघी वंगी रख लेना, उसके बाल थोड़े से बना देंगे हम, वो हो गया है। और बोरोलिन, हाँ अभी हाँ, और डायपर्स जो कि जिया के डायपर लेने पड़ेंगे, जिया का पेट ख़राब है अभी, जिया के डायपर लेने पड़ेंगे। कोई डायपर मैं ऑनलाइन लूँगा, तो चलिए निकलते हैं यार यहाँ से। बैठे हैं, जिया का दोबारा से टेस्ट करा दिया, उसकी रिपोर्ट जो है वो आ भी गई है, और मम्मी पापा भी अभी गए हैं, तो उसका फीवर नहीं उतरा, उसका फीवर स्टिल अभी भी है। उसे डेली रात में 101-102 पकड़ा, जबकि एंटीबायोटिक वगैरह सब चल रही है, तभी ड्रिप उसकी कंप्लीट हुई। कल पूरी रात ड्रिप चली है, सुबह ड्रिप चली है, अब उसका ये वाला ड्रिप है वो सुबह लगेगी उसको जो भी है। अभी उसका एक इंजेक्शन लगा है और बहुत परेशान है यार, उसके हाथ पैर पूरे में स्वेलिंग और ब्लू ब्लू हो गए, तो पूरा फेस भी स्वेल्ड है दवाई के कारण। तो रिपोर्ट में जो WC की 11,000 होना चाहिए था वो 26,900 आया था, अब वो घट के हो गया 14,000, कितना हुआ 14,000 समथिंग, आई डोंट नो, राजा ने रिपोर्ट नहीं भेजी मुझे, और वो घट गया है WBC का, जिससे इन्फेक्शन वो कर रहे थे, पर जो CRP है वो बढ़ गया है, जो 5 के नीचे होना चाहिए वो 32 था पहले, अब वो 42 हो गया है, तो वो बढ़ गया, तो उसी कारण फीवर ऑन एंड ऑफ आए जा रहा है। तो उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए अब डॉक्टर जो भी कल बोलते हैं वो करेंगे, अब कल डिस्चार्ज करेंगे नहीं करेंगे नहीं मानो मैं। हम लोग का ये था कि इसका अगर थोड़ा बहुत भी कम होता है तो हम इसे घर लेके चले जाएंगे, क्योंकि डुब्बू लेट लगा रहा है यार, पूरे हॉस्पिटल वाले जो हैं वो बोल रहे हैं कि आपका एक बच्चा ठीक होगा दूसरा बच्चा बीमार होने वाला है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसे भी क्रॉलिंग करनी है, जा जा के चेयर पे हाथ लगा रहा है, जितना हम भग रहे हैं इसके पीछे वो उतना भग रहा है, वो उसको मस्ती आ रही है, पूरे हॉस्पिटल में घूम रहे थे हमारी जिया। राजा जिया नहीं, हाँ यार लग रहा है, पता है सही नहीं हो रही, फीवर उतना का उतना बना हुआ है। अच्छा तो डुब्बू कैंटीन से अपना खाना लाते हुए और खाते हुए लाते हुए तो सही है, खाते हुए नहीं क्यों खाते हुए क्यों नहीं है सर? तो पेशेंटों के लिए कैंटीन में खाना पूरा पैक हो रहा था और डुब्बू कैंटीन में ही था, जब तक खाना आ नहीं गया डुब्बू का डुब्बू शांत नहीं गया। हाँ हाँ खाओ खाओ, अरे खाना खा रहे हो ना, खाना खाओ, गंदी है। हाँ ये मुड़ ही ना हो कहीं से, यहाँ से देखिए इधर इससे पता चलेगा। नहीं गिर रहा बहुत धीरे गिर रहा है। एक बार इनसे जाके बोल के आता हूँ कि आप नीचे बोल दो है ना, डॉक्टर आएंगे वो तो अपना दवाई बता ही देंगे। डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर वहाँ बैठेंगे ना, आज डिस्चार्ज ले रहे हैं हम लोग, आज है 15 तारीख, जिया को एडमिट हुए 4-5 दिन हो गए और डुकू सो गया, अभी करेंटली 2:30 बज रहे हैं और निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। अभी भी जिया की जो एक रिपोर्ट है वो सही नहीं आई है, और वो जो रिपोर्ट के कारण उसे घर में भी फीवर आएगा डॉक्टर कह रहे हैं, पर दवाई दी है, अगर उसके बाद भी फिर सही नहीं होता फिर 4-5 दिन फिर देखना पड़ेगा,
तो अभी उसका CRP 42 आया हुआ है, जो कि जो ख़राब था वो 31 था और 5 के नीचे होना चाहिए तो वो बढ़ के ही आया है, तो वो देखना है। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी 4-5 दिन हो सकता है सिर्फ हाई फीवर रहे, अगर बहुत हाई होता तो फिर वापस हम लोगों को करना पड़ेगा, तो अभी देखते हैं। कार में वापस खड़ी हुई है और इसके पैर की पट्टी। हाय मेरा बच्चा, हाय। मतलब हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी इतने दिनों में, बस घर निकल रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। लेना और लेना तो बहुत कुछ था। हम लोग दिन में घर आ गए थे और जिया थोड़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बस फीवर उसका चेक करना है। पूरी रात हम लोग की जान जाने वाली, तो उसकी बहुत सारी दवाइयाँ आई हैं। अगर ज़्यादा फीवर रहेगा तो फिर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि सर का वो है, तो उन्हें अभी तो उसका जो WC काउंट है वो 14,000 आ गया था, जो 11 होना चाहिए। तो उसका 2-3 दिन बाद फिर से रिपीट टेस्ट होगा। और यहाँ पे इतनी दवाइयाँ उसको देनी है, जो अभी बहुत बड़ा टास्क है उसको देना, क्योंकि वो बच्चे दवाई पीने के बाद प्यूक कर देते हैं। तो एक तो ये है ड्राई सिरप कोई जो देना है, उसके बाद फिर ये सिप्ला का कुछ और है, और एक ये तीन चीज़, और क्या बोलते हैं ये जो इसको पैरासिटामोल की ड्रॉप्स दे रहे हैं, और ये पैरासिटामोल का सिरप भी जा रहा है, डाइजीन सीरप भी जा रहा है। तो वही अभी इसको बॉडी में थोड़ी सी स्वेलिंग भी है, क्योंकि ड्रग वगैरह के कारण उसको काफ़ी ज़्यादा। अभी तो उसकी आँख वाँख फिर भी नॉर्मल हो गई, कल परसों उसकी आँख ऐसी थी, ले तो आए हैं यार, पर लग रहा है डरता था। डॉक्टर ने बहुत ध्यान बहुत रखना, क्योंकि बच्चा छोटा है। और चलिए अभी दवाई देते हैं उसे, है ना। डुगू के लिए मैंने मिल्क शेक बनाया है, वो हर जगह घूम रहा है, इन लोगों को आते ही मैंने नहलाया, और जिया को नहीं नहलाया, आते ही नहलाया है। और अभी मैं कुछ खाने के लिए बना रही थी, डुगू को भूख लगी, तो यहाँ पर फिर खाने में बनाया मिल्क शेक बनाया, जो कि उसने अभी छोड़ा हुआ इतना था, इतना किया है, तो बहुत दिनों बाद घर आया है ना वो। ऐसे कि हम लोग बहुत दिन हो गया, कितने हम मंडे को एडमिट हुए थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे भी आधा दिन वहीं पे थे। तो बस ये है कि वो सही है। मैं बिंदुकू के लिए कुछ बना रही हूँ, उसके बाद रुक जा भैया, रुक जा। अरे वाह, अरे वाह, बन रहा है बेटा, रुक जा। अरे ये तो दुगू की फेवरेट चीज बन रही है। इसमें इसमें ना ये वो नहीं लगाई है ना, मुड़ने वाली। यहाँ पे कुछ अदरक, अदरक का है खाली, आप उसे बदल कर सकती है बाहर। और सामान खिला रहा है ता, ए ता। देखो एक मिनट तक तो और गर्म होना पड़ेगा, तेल गर्म है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज है फ्राइडे, और कल जिया को डिस्चार्ज कराया था, ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया घर आने के बाद भी, क्योंकि जिया को देख रहे थे, पर जिया को फीवर नहीं आया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसको सारी दवाई दी थी, और रात में थोड़ा सा बस ये हो रहा था कि वो सो नहीं पा रही थी, और उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी, बट फीवर नहीं आया। उसकी एंटीबायोटिक, डाइजीन, पैरासिटामोल और 2-3 दवाइयाँ और है जो चल रही हैं। तो फीवर का जो है एक इशू हम लोग को लग रहा था, कि वो कह रहे थे आने के बाद आ सकता है फीवर, क्योंकि CRP के कारण, बट वो नहीं आया, तो हम लोग काफ़ी रिलैक्स थे। अभी भी वो बहुत अच्छे से खेल रही है। जिस दिन हम उसे लेके गए थे, उस दिन उसे जब ICU में, लाइक PICU में एडमिट किया था, उन्हें कहा था कि माइट बी पॉसिबल चढ़ जाएगा सर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीवर जा रहा था, 104 तक पहुँच गया था बुखार,
बट अगर बच्चे के साथ ऐसा कुछ होता है तो आप हाथ के हाथ उसे ना ले जाइए और घर पे मत करिए, क्योंकि हमने पट्टी भी कर ली थी उस दिन, हमने PCM भी दे दी बट कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और इवन एंटीबायोटिक जब तक हॉस्पिटल में भी चल रही थी ना, तो जब तक असर रहता था तब तक फीवर उतरा रहता था, और कभी कभी ऐसा होता था कि दवाई चल रही है और PCM भी दे दी और इंजेक्शन के थ्रू भी जो बुखार का है वो दिया है, बट फीवर नहीं उतर रहा था, डाउन ही नहीं हो रहा था फीवर, जो कि काफ़ी ज़्यादा ना टेंशन की बात उस टाइम पे हम लोगों के लिए बन गई थी। हम लोग का ये था कि अगर यहाँ से नहीं होता है तो हम कहीं और लेके जाएंगे, पर अभी वो सही है और आज फिर पूरा दिन देखना है, तो उसको भी थोड़ा सा अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा अराउंड 72-48 घंटे कि किस उसमें उसका जो फीवर है वो आ रहा है। तो अभी क्या बोलते हैं, जिया के लिए मैंने एक फ्रॉक मंगवाई है, मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो। जिया का बर्थडे आ रहा है तो उसके बर्थडे के लिए मैं कुछ नेस्टिंग कर रही हूँ कि उसका फ़ोटोशूट होगा, ये होगा, जो कि बहुत अजीब हो गया है। 15 तारीख हो गई, डुगू के बर्थडे से पहले हमने इस टाइम तक पूरे कपड़े बनवा लिए थे, वेन्यू एकदम एंडिंग में डिसाइड हुआ था, क्योंकि ये जिया का फर्स्ट बर्थडे है तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगा। बस ये लग रहा था यार कि वो ठीक हो जाए उस टाइम पे, मेरे दिल में सिर्फ ये चल रहा था कितना सब चला जाए, आपका सब चला जाए, पर बच्चे की तबीयत जो है वो सही हो जानी चाहिए। तो बच्चा मेरा भी काफ़ी हद तक सही है। मिस्टर अद्विक आया है, मम्मा चाय बनाई मम्मा ने आपके लिए। ओह किची हो गई है, किची हो गई। और डुगू ने पूरे हॉस्पिटल में दोस्तियाँ करके रखी थी, कैंटीन में, रिसेप्शन में, उसके इतने सारे जानने वाले, जिन लोग जा रहे थे लिफ्ट वाले भैया जिन लोग जा रहे थे तो वो सब बोल रहे थे जा रहे हो तुम, जा रहे हो तुम। और से एक वार्ड बॉय थे वो कह रहे थे अरे तुम आज दिखे नहीं, तो ये इसने इतनी ज़्यादा दोस्ती बना के रखी हुई थी कि पूछिए मत, इसके सब वहाँ पे दोस्ती दोस्त थे। और डुगू बहुत ज़्यादा मतलब खेल रहा था, उसने इंजॉय किया हालांकि हॉस्पिटल में, बट हम लोगों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल था क्योंकि हर दिन का ही रहता था कि फीवर ही नहीं उतर रहा है, फीवर ही नहीं उतर रहा है। जब मैंने एक वीडियो डाली थी तब भी मैंने बताया था कि इसका फीवर नहीं उतर रहा है, तो उसका फीवर उतर ही नहीं रहा था। घर आके बहुत हद तक चीज़ें सही हैं। हम लोग की पूजा थी बुधवार को, पहले मंगल को थी फिर बुधवार को करी, फिर बुधवार को राजा ने बोला मैं करा लेता हूँ, पंडित जी को लाने गए तो पंडित जी ने कहा कि पूरी फैमिली आ जाएगी तभी आप कराइएगा वरना पूजा वो नहीं होगी। तो अब लोग आ गए हैं तो मुझे एक सुंदरकांड भी कराना है और एक मुझे नॉर्मल पूजा जो है घर के लिए वो करानी है, तो उनको अब हम लोग देंगे। आज फ्राइडे है ना, तो मंडे का टाइम, क्योंकि ज़्यादा वो नहीं लेना, पता नहीं बच्चे की तबीयत, पता है ये डॉक्टर कह रहे थे बहुत टाइम से ये इन्फेक्शन पनप रहा होगा और मेरे को लग रहा है कि उसकी थोड़ी थोड़ी फीवर जो आ रहा था ना फिर एकदम से वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो वो था कि बहुत थम सकिंग हो गई, अब कुछ खा पी लिया, कुछ बुरा खा लिया, क्या खा लिया, तो वही जो है समझ में नहीं आया। मेरी चाय नहीं लाओगे? डुगू की चाय, डुगू की चाय। डुगू को मैं थोड़ी सी ना चाय डाल के दूध डालती हूँ, मिल्क शेक बना के दूध किसी भी तरह से जाए बच्चे को चाय से नहीं कमी। हाँ बेबी, तो बस ये है। तो चलिए अब मैं करी यहाँ पे वीडियो को एंड, और होपफुली अब आपको मैं नॉर्मल वीडियोज नॉर्मल ब्लॉग दे पाऊँ। सबकी प्रेयर्स की उससे जिया वो ठीक है अभी, बस थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना है उसका कि वो अब थम सकिंग ना करे, तो मैं एक टेप वेप सोच रहे से बांधना शुरू करूँ, क्योंकि वही मैक्सिमम वायरस बैक्टीरिया जाने का सोर्स है मुंह में हाथ डालना। अच्छा देखेंगे घर के बचे हुए काम मैं, पर बच्चों को ही देखने वाली हूँ क्योंकि बच्चों की इस टाइम पर तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, बहुत सारे बच्चों की भी हो रही है, ध्यान रखिएगा। अभी मौसम भी ख़राब चल रहा है और किसी भी उससे आपके बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो राजा थोड़ा बालकनी का वो लगवा रहे हैं कांच, तो वो उसको बुला रहे हैं तो वो लगवा ले। और मैं करी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। एंड जी हाँ, बस ये रहे क्या फिर फीवर ना है, बस ये प्रे करिएगा क्योंकि थोड़ा सा डर लग रहा है, पता मुझे हर दिन भी कल रात को पता डर, मैं बार-बार चेक करी वो होता है ना आपको रात बता। हाँ देती हूँ, चलो मैं आपसे बोलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।